हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आप देख रहे हैं टेक्निकल ऋषि यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस 5T के बारे में। तो फाइनली आज वन प्लस ने अपना 5T लॉन्च कर दिया गया है। बट मैंने उसका लाइव इवेंट देखा, मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं दिखता। बस उसके डिस्प्ले की बात करें और कैमरास की बात करें तो बस उतना ही अलग है। बस डिस्प्ले थोड़ा सा बम्प कर दिया है और पीछे के कैमरे का फर्स्ट लेंस है वो सेम है और सेकंड लेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, वो भी मेगापिक्सल्स में नहीं सेंसर में बढ़ा दिया गया। तो हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में 18:9 रेशियो का डिस्प्ले दिया है, जो कि लीक्स में पहले भी सामने आ चुका था। और बाद में उसमें 6.0 उसका डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जो कि 1+5, 1+3T, 1+3 में 5 इंच का दिया गया था, बट इसमें 6 इंचेस का दिया गया। और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो हमें फुल HD मिल चुका है और फुल HD के साथ ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले मिल चुका है, जो कि क्वाड HD हो सकता था, बट पता नहीं वन प्लस कब लॉन्च करेगा अपने डिस्प्लेस में चेंजेस। और हमें उसके साथ और एक फीचर मिलता है जो कि है सनलाइट डिस्प्ले करके। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप कोई सनलाइट में जाते हो तो मोबाइल आपका अपने आप कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले लाइट या ब्राइटनेस उसे बोलते तो बढ़ा देता है, जिससे आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे वन प्लस 3D में भी बोला था कि डिस्प्ले में उन्होंने दिया गया है कुछ तो, बट जैसे मैं धूप में जाता अपना मोबाइल लेके तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है और ब्राइटनेस खुद से बढ़ाना पड़ता है, वो कभी डिटेक्ट नहीं करता। ऑटो ब्राइटनेस में भी वो कभी देखते नहीं है। और वन प्लस 5T फर्स्ट फोन है अपने पूरे हिस्ट्री में जिसने आपके बटन्स ऑन स्क्रीन दिए गए। तो पहले तो सब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आते थे, वो ऑप्शन ही देते कि आप स्क्रीन पे भी बटन ले सकते हो, स्क्रीन के नीचे वाले बटन यूज कर सकते हो, बट ये फर्स्ट वन प्लस 5 है जिसने वन प्लस 5 की कंपनी का मोबाइल है वन प्लस 5T जिसने डिस्प्ले पे बटन्स दिए गए। तो आपको वन प्लस 5T में सबसे बड़ा चेंज सेकेंड चेंज दिखाई देगा। फर्स्ट तो डिस्प्ले हुआ, सेकेंड सबसे फास्टेस्ट मैं अभी तक बोलूंगा फिंगरप्रिंट, जो कि वन प्लस 5 के कंपनीज का है, वन प्लस कंपनीज का है, जो कि इसमें सेकेंड चेंज है, जो कि अपना फिंगरप्रिंट पीछे दिया गया है जैसे कैमरा के नीचे। बट इसका मैंने रिव्यूज देखे, बट उसमें बताया गया है कि उसका जो फिंगरप्रिंट है बहुत बोलोगे ना एग्जैक्ट जगह पे लगाया, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S8 की बात करें या किसी और की, तो उनके थोड़े प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो गए जिससे हमें अनलॉक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट वन प्लस फाइव टी में कुछ प्रॉब्लम होता है, एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट प्लेस और एग्जैक्ट तरीके से उसे लगाया गया। और जैसे कि वन प्लस के अपने सारे फिंगरप्रिंट सबसे बेस्ट होते हैं और सबसे फास्ट होते हैं। कैमरे की बात करें, फ्रंट कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है IMX 371 के साथ। तो मुझे कैमरे में कुछ तो अलग नहीं दिखा और अपेचर उसका वही है 2.0। बस इसमें वन प्लस 5 ने हाईलाइटेड किया था कि फेस अनलॉक, वो फेस अनलॉक iPhone X या iPhone X के जैसा तो नहीं है, बट जो हमें पहले से ट्रेडिशनली एंड्रॉइड में दिखाई दे रहा है पहले से, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके वन प्लस 5T ने दिया है। और बैक कैमरे की बात करें तो वही अपना ड्यूल का सेटअप दिया गया है। जो फर्स्ट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है F1.8 एपिचर के साथ और IMX 398 के साथ। सेंसर वही है जो पहले इसमें था, बस चेंज दिखाई देगा सेकेंड लेंस में। तो सेकेंड लेंस है 20 मेगापिक्सल का, मेगापिक्सल तो सेम है, बस आपको सेंसर चेंज दिखाएगा। 20 मेगापिक्सल का कैमरा है F1.7 एपिचर के साथ, आपको लो लाइट क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और IMX 376 के साथ। इसमें आपको जरूरत से ज्यादा मतलब अच्छी खासी आपको लो लाइट क्वालिटी मिलेगी और ये कैमरा बेस्ट है। उसके स्पेक्स की बात करें तो वही सेम है वन प्लस 5T में दिया था। प्रोसेसर रैम तो भी आपको बता देता हूँ, रैम है वो 16GB 8GB, स्टोरेज मिलेगी 64GB 128GB। बैटरी की बात करें तो बैटरी भी सेम दी गई 3300mAh की। तो मुझे लगता है डिस्प्ले के वजह से, क्योंकि इस बार डिस्प्ले थोड़ा बड़ा दिया है तो आपको बैटरी बैकअप कम मिलेगी, बट पता नहीं अभी ये वन प्लस 5T अपने मोबाइल के साथ मतलब सॉफ्टवेयर के साथ कितना ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है जिससे आपको आपकी बैटरी बैकअप पूरी तरह से आप निचोड़ सकते हो पूरे बैटरी को फुल डे में। वैसे अभी वन प्लस 5 को कुछ 5 to 4 hours का बैटरी बैकअप मिल रहा है, बट देखते हैं वन प्लस 5T में क्या हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। हम प्रोसेसर की बात करें तो वही आपका नया अभी का टॉप स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर, ये तो सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। बट बोलते हैं किस किस में लाइक करता है, किस किस में अच्छा है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है अभी का, पूरे एंड्रॉयड 7.0 के साथ आया है। बस यही मुझे बात अच्छी नहीं लगती वन प्लस कंपनी की, कि जो भी अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस से लॉन्च करते हैं, जो भी मार्केट में चल रहा होगा उसे एक स्टेप बैक रहते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं।
क्योंकि लास्ट टाइम वन प्लस थ्री के साथ भी वही किया, वन प्लस थ्री टी के साथ भी, वन प्लस फाइव के साथ भी। अभी मतलब मेजोरिटी डिवाइसेस में 8.0 आ चुका है, पर अभी तक वन प्लस फाइव में नहीं आया है। बट आपको वन प्लस थ्री टी में बीटा वर्जन में मिल जाएगा आपको 8.0, बट मुझे उतना स्टेबल नहीं लगता। मैं अभी करेंटली यूज़ कर रहा हूँ बट उतना स्टेबल नहीं है। तो प्राइसेस की बात करें तो वन प्लस फाइव टी की सबसे अट्रैक्टिव बात करें तो उसकी प्राइस, तो आप 64GB लेने जाओगे तो आपको 499 में मिलेगा, जो कि आपके 32-500 के अराउंड है। और अगर आप 128GB लेना चाहोगे तो 559, मतलब 38 या प्राइस तो सेम ही है, बट तो भी देखते हैं ये इंप्रेशन मार्केट में क्या जमा होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।